हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग फिजिक्स न्यूमेरिकल से पार्ट 14 डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रकाश के परावर्तन से पार्ट 3 डिस्कस है। और इसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? न्यूमेरिकल। और इससे पहले जो दो पार्ट्स थे उसमें हमने थ्योरी डिस्कस की है, और वो थ्योरी आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हमने इस तरीके से फॉर्मूले वगैरह जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाने के बाद में भी जो थ्योरी काम आती है वो हम ही आपको अभी यहाँ पर बताएंगे। और सभी से निवेदन है कि अगर आपने ये 3 नंबर लेक्चर देख रहे हो सबसे पहले, तो ये गलत कर रहे हो। सबसे पहले आपको एक देखो, फिर देखो प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सीरीज में देखना चाहिए, ठीक? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश के परावर्तन से न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम्स के रिलेवेंट है बहुत ही ज़्यादा, और ये उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट, खासकर रेलवे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, तो सभी को देखना चाहिए। आप सब लोग एक लेक्चर हम आपको और सजेशन करेंगे। उस लेक्चर का टाइम है 11 बजे सुबह का, और उसका जो नाम है वो है सुपर टेट। क्या नाम है? सुपर टेट। और तो जिन लोगों ने मैथ नहीं आता है जिनको अच्छे से, तो वो जरूर सुपर टेट वाला लेक्चर देखें। परसेंटेज इस समय चल रहा है, परसेंटेज का लेक्चर चल रहा है, और उसकी टाइमिंग 11 बजे। पीछे 3 से 4 5 लेक्चर हो जा चुके हैं, उनको आप जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनमें एक कॉन्सेप्ट से लेकर उसमें जितने सवाल बन सकते हैं, 10 एक कॉन्सेप्ट लेते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग 10 से 12 सवाल लगाते हैं, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल मजबूत हो जाता है। तो इसलिए आपको सजेशन कर रहे हैं उस लेक्चर को आपको जरूर देखना चाहिए सभी लोगों को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए पहला क्वेश्चन है, और इसका हम जो पीडीएफ है वो विद सॉल्यूशन के, यानी कि जो हम लोग अभी यहाँ पर आपको समझाएंगे उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल क्या है, उसमें आपको ये सर्च करना हाईवे क्लासेस, या हाईवे क्लास सर्च करना, और जो चीज आए हाईवे क्लासेस नाम से उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, और वहीं पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा विद डिटेल के, मतलब यहाँ पर जो भी हम समझाएंगे वो का पूरा फुल सोल्यूशन के साथ में, ठीक है? चलिए आज का पहला लेक्चर है, और ये लेक्चर तभी आपको समझ में आएगा यकीन मानिए जब आपने एक और दो पार्ट देखा होगा, ठीक? चलिए देखें इस, क्योंकि इसमें नियम बताएंगे, रूल बताएंगे कि अवतल दर्पण आए तो फिर आपको क्या क्या करना है। 32 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर दूरी पर वसी रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है? अब एक चीज यहां पर समझिए, जब कभी भी अवतल दर्पण हो तो अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसमें परावर्तक पृष्ठ जो है भीतरी हो, और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर का होता है, ठीक? और अवतल दर्पण में जो चीजें हैं, जैसे यहां पर फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की जाएगी, तो f बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 32। f बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 32, ठीक है? सेंटीमीटर वो अलग की बात है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 16 सेंटीमीटर रखी गई है, तो u बराबर क्या लिखना पड़ेगा? 16 सेंटीमीटर, वो भी माइनस के साथ में, ठीक है? और हमसे पूछ रहे हैं कि v का मान क्या है। V क्या है ये समझ लीजिए, U को V क्यों नहीं लिखा? तो F जो होता है वो फोकस दूरी होती है, और U जो होती है वो होती है वस्तु की दूरी, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी, और जो V होती है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब। और आपसे पूछ रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो अपने को प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, तो आप समझ गए होंगे, ये खासकर ध्यान रखना, जब कभी भी अवतल दर्पण होगा नाम बोल दिया जाएगा क्या दर्पण है, ठीक? अवतल दर्पण होगा तो आपको फोकस दूरी और फोकस दूरी, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति सब माइनस का आएगा अवतल दर्पण में, ठीक है? उत्तल दर्पण में सब प्लस का होता है, ठीक है? फोकस दूरी प्लस की होती है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में माइनस की होती है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, 1/u + 1/v = 1/f। ये फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f = 1/u + 1/v, कोई समस्या नहीं है, ऐसे भी करके लिख लो, ठीक है? अब हमें वैल्यू पुट करनी है। 1/u की वैल्यू है माइनस का 16, तो 1/-16 लिखेंगे, प्लस 1/v = 1/f। f की वैल्यू कितनी है? -32, -32। अब हम लोगों को 1/v इधर ही रखना है, तो 1/v इधर ही रहेगा, माइनस का जब उधर जाएगा वैल्यू प्लस की हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी, प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस का 1/32 है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, एकदम से मतलब माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे, या तो एलसीएम 16/32 का एलसीएम 32 ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि
कि अगर यहाँ 16 है, 16 की जगह 32 हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से 2 से गुणा ऊपर और 2 से नीचे, तो 2 की जगह क्या 16 की जगह और 32, और 32 है यहाँ भी 32 है, तो बड़ा सिंपल हो गया। 1 अपॉन v बराबर, अब देखो 2 में से एक गया, माइनस का एक गया, तो बचा क्या 1 और बटे में क्या 32, यानी कि v बराबर जो हो गया वो 32 आ गया। बस इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। v बराबर 32, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी कि ध्रुव से वो 32 सेंटीमीटर दूर होगा। कहाँ होगा? 32 सेंटीमीटर ध्रुव से दूर हो जाएगा। ओके, एक चीज आपको और यहां पर ध्यान रखनी है, जब यहां कभी भी प्लस का आ जाए 32, जैसे यहां v बराबर 32 आ गया है, तो ये आप देखो अवतल दर्पण में सारी चीजें इधर होती हैं, तो अब अगर अवतल दर्पण में इधर होगी तो f भी माइनस का, v भी माइनस का, u भी माइनस का, अगर कोई चीज इधर आ रही है तो वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये v है प्लस का, तो इसका मतलब ये जो वस्तु बनेगी जाके, ये पता कहां बनेगी जाके, ये बनेगी जाके वो जो दर्पण है उसके पीछे बनेगी जाके, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे एक ही कंडीशन थी, वो हमने आपको पढ़ाया था कहाँ पे, जब हमने स्थितियां आपको पढ़ाई थी, किसकी, अवतल दर्पण की स्थितियां बताई थी आपको 6, कि एक बार पहले हमने वस्तु को अनंत पर रखा, फिर अनंत और केंद्र के बीच में रखा, फिर केंद्र पर रखा, केंद्र और फोकस के बीच में रखा, फिर फोकस रखा, फोकस और दर्पण, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा, तो ये चीजें हमने वहां पर आपको बताई और पूरी स्थितियां बताई, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसी के सारी जरिए यहाँ पर सवाल भी रखे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है v बराबर 32 दो ऑप्शन में हो, ठीक है, v बराबर 32 दो ऑप्शन में ये भी रखा हो साथ साथ में, कि उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी स्थिति होगी दर्पण के पीछे। ये कैसे पता चलेगा दर्पण के पीछे आगे, अगर प्लस का आ जाए ध्यान रखना दर्पण के पीछे, और अगर आगे आएगा तो वो दर्पण के आगे होगा, और आगे अवतल दर्पण में सारी दूरियां जो है ऋणात्मक होती हैं, और अगर ये सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं और प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो ध्यान रखना वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा भी बन सकता है बड़ा भी, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। बस इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ध्रुव से 32 सेंटीमीटर दूर होगा, बस यही राइट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्पीड कम करके पढ़ाऊंगा। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने एक, देखो ध्यान दें, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में सारी दूरियां निगेटिव, के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर दूर पर रखी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो यू बराबर आपको समझ में आ रहा होगा 6 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि जो वस्तु की स्थिति होती है, दूरी होती है, वो हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और हमसे पूछ रहे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी कि वी का मान पूछा जा रहा है आपसे। और ये 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, यानी कि आर का मान दिया गया है -24। ठीक है, और हमने आपको पीछे बताया था थ्योरी में एफ बराबर जो होता है वो r/2 होता है, ये चीज आपने पढ़ी होगी। क्या? एफ एफ बराबर जो होता है वो r/2 होता है, यानी कि फोकस दूरी हो जाती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि f बराबर -12 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर -24/2 लिखेंगे, 24/2 का मतलब हो जाएगा 12। बस आपका वही फार्मूला पुराना वाला, 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/u की वैल्यू दी गई है कितनी, 1/-6, वो -6 जो है वो यहीं पर रिप्रेजेंट करता है उसको। ठीक है, +1/b = 1/f, F कितना है -12, तो वो वैल्यू यहाँ पर -12 यहाँ पर ही शो करती है। तो हम लोग यहाँ पर 1/v बराबर, अब ये -1/6 जब उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर की कोई चीज इधर उधर जाती है तो वो साइन चेंज करती है, -12 अपने को यहीं पर रखना है। और एक सॉल्व करने का हमने माइंड में आपको तरीका बताया है कि अगर यहाँ 12 है, अगर 6 की जगह भी 12 बन जाए तो मजा आ जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा ऊपर 2 से नीचे 12 हो गया, तो बस 12 यहाँ 12 यहाँ, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 2 में से एक गया, ये माइनस का है इसलिए जाएगा, अगर ये प्लस का होता जुड़ जाता है, यानी कि 1/v बराबर जो वैल्यू आएगी 2 में से एक जाएगा 1/12। अब देखो इसके इधर गुणा, इसके इधर गुणा, v बराबर हम लोग बोल सकते हैं 12, यानी कि v बराबर क्या 12 सेंटीमीटर, अगर ये चीजें सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर। ये जो पेन हिल रहा है ये इसका थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ये सॉल्व करने में हमको। ठीक है, तो कोशिश करना, धैर्य बनाना, आपने को कोई टेंशन नहीं होगा, मुझे भले ही हो जाए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये v बराबर जो 12 सेंटीमीटर आया, इससे ये सिद्ध होता है कि जो दर्पण, ये जो प्रतिबिंब बना है, ये उसके पीछे बना, किसके, ये दर्पण के पीछे बना हुआ है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, इसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं v बराबर, यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि पीछे क्यों बन रहा है, क्योंकि v बराबर प्लस का आया, अगर ये माइनस का आता तो ये दर्पण के सामने बनता, ऐसे दर्पण के सामने बनता,
लेकिन अब ये पीछे बन रहा है। ठीक है, एक ही स्थिति ये थी अवतल दर्पण में जो पीछे बनने की, वो यहां पर थी, और ये पृथ्वी में जो बना था ये आभासी था, सीधा था और वस्तु से बड़ा था। ठीक है, हमने आपको अवतल दर्पण की 6 स्थितियां बताई थी, बहुत यार इंपॉर्टेंट थी, उनको जरूर पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको आज समय आते आते सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी, इस लेक्चर में भी। ठीक है, चलिए देखिए, एक अवतल दर्पण की उत्तरा त्रिज्या, अवतल दर्पण है तो समझ में आ गया कि आर बराबर माइनस का 60 हमको लेना है। ठीक है, देख रहे हैं ना पेन कैसे चल रहा है एकदम से, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा हाईवे क्लासेस का सपोर्ट करिए, चीजों को और सुधारा जा सके, इसीलिए थोड़ा सा आपसे साथ चाहता है हाईवे क्लासेस। हाँ, वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर। वस्तु अवतल दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि वस्तु रखी है, इसका मतलब यू बराबर माइनस का 45 सेंटीमीटर। ये चीजें देखो, 5 नहीं लिख पाया जा रहा है, एकदम से ऐसा पेन हो जा रहा है, तो ये देखिए कोई टेंशन नहीं है, कर लेंगे अपना एडजस्ट, माइनस का 1 मिनट 45। ओके, दर्पण सेंटीमीटर दूर रखिए, दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी बताइए। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बता रहे हैं, यानी कि वी पूछा जा रहा है आपसे फिर से। आप देखो, अगर ये 60 है, ये कितना है, अगर ये 60 है तो हम यहां से यफ कैलकुलेट कर सकते हैं, आर बाई टू होता है, माइनस का 60/2 करोगे तो आएगा माइनस का 30, यहां से यफ बराबर निकाला गया। फिर अपना वही फार्मूला, क्या 1/u + 1/v = 1/f। ओके, फिर अपने को क्या रखना है, 1/u की वैल्यू क्या है, माइनस का 45, 1/-45, ये माइनस का 45 प्लस 1/v = 1/f, f कितना है, माइनस का 30। वो माइनस यहाँ को रिप्रेजेंट करता है, जो बटे वाला माइनस होता है वो अंश को ही रिप्रेजेंट करता है, वो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि माइनस से गुणा ऊपर माइनस से नीचे वो एडजस्ट कर लेता है। तो 1/v बराबर जो वैल्यू आएगी, अब ये माइनस का 45 जो है बराबर के इधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, बराबर के इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 1/45, फिर ये देखो माइनस का 1/30 है। अब यहां पर आपको फिर चीजें समान कर सकते हैं अगर दिमाग है थोड़ा, नहीं तो फिर आप क्या करो, 45 में 2 से गुणा ऊपर, 2 से नीचे, और 30 में 3 से ऊपर, 3 से नीचे, ऐसा क्यों हो रहा है, अभी आपको पता चल जाएगा। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 45 और 30 का एलसीएम जो होगा वो 90 हो जाएगा, तो 45 दूना 90, और 2 आए, 2 की गुणा ऊपर होती, 2 एकम 2, माइनस 30 3 90, और 3 जो बचे हुए वो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 1/v, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1/v बराबर 2 में से 3 में से तो जाएगा माइनस का 1 बचेगा और बटे में 90, तो हम लोग कह सकते हैं कि v बराबर माइनस का 90। ठीक, यहां से v का माइनस का v बराबर 90, तो v बराबर माइनस का 90 बोल सकते हैं। ठीक, अब यहां से समझना, अब ये वैल्यू माइनस की आई है 90, इसका मतलब है ये जो दर्पण जो बना है पृथ्वी में, वो जो ये दर्पण है इसके इधर ही बना है, यानी कि दर्पण के सामने बना है। ठीक है, ये इसके पीछे नहीं बना हुआ है, यानी कि दर्पण के सामने, v इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि v बराबर जो माइनस 90 है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो जो पृथ्वी में की स्थिति है वो दर्पण के सामने की है। आपसे सिंपल से यूं पूछा जा रहा है कि पृथ्वी में कितनी दूर बनेगा, तो आपको ये आंसर करना है कि 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा। वस्तु जो है दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है, लेकिन उसका प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर दूर जाकर बनेगा, बस इतना सा अपना आंसर करना है, सॉल्व कर लेंगे, किसी कोई समस्या नहीं है, इसकी हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। ओके, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ में एकदम से कंप्यूटर का लिखा हुआ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले तो इस थोड़े पेन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यानी कि फिर से वक्रता त्रिज्या दी गई और आर बराबर जो है 60 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हमको अवतल दर्पण है तो माइनस का 60 लेना पड़ेगा, तो हम लोग यफ बराबर यहां से निकाल सकते हैं, यफ बराबर जो होता है वो आर बाई टू होता है, यानी कि 60/2 करोगे तो आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए अवतल दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, यानी कि कोई एक वस्तु है वो अवतल दर्पण से 45 सेंटीमीटर वस्तु है, तो इसको यू से लिखेंगे और यू बराबर माइनस का 45। ठीक, अब दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी बताइए, तो बस अपने को क्या दूरी पूछ रहे हैं प्रतिबिंब की, वी बराबर, तो क्या वही सवाल हो गया, रिपीट हो गया क्या, वी बराबर, 1 मिनट देखिए, वही सवाल है क्या, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देख लेते हैं, बस अपने को सिंपल से क्या करना है, ये देखिए, तो इसका प्रोसेस लिख देते हैं, तो 1/ अपना फॉर्मूला जो है 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, तो 1/v को इधर ही रखना है और एकदम से सॉल्व कर लेना, कोई टेंशन नहीं, ये 1/u जो है माइनस का है, 1/ इधर आएगा तो 45 प्लस के हो जाएंगे,
और माइनस का एफ है तो माइनस का 1/30, तो वही सवाल है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप जान सकते हैं इसका आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही सवाल था ये तो। देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है उत्तल दर्पण, देखो ध्यान से अगर आप देख रहे हो चीजों को तो उत्तल दर्पण नाम लिया जा रहा है, और उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो प्लस की ली जाती है, यानी कि एफ बराबर जो हमको लिखना पड़ेगा वो प्लस का 20, और प्लस का 20 लिखने से कोई मतलब नहीं, केवल आप 20 लिख दीजिए वो प्लस को ही रिप्रेजेंट करता है। और आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, देखिए समझ सही से पढ़िए, एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, यानी कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, यानी कि जो प्रतिबिंब बने वो वस्तु से आधा बने। तो देखो कितना अच्छा सवाल है, ना तो यू की इन्फॉर्मेशन है ना तो वी की इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u + 1/v, उसी सॉल्व करेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है m बराबर i/o, रेखीय आवर्धन मैंने आपको पढ़ाया था, और i/o जो बराबर होता है वो होता है माइनस का v/u। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां से निकल के आई है, यानी कि आई क्या है ये चीज समझो, आई हमने आपको बताई थी कि प्रतिबिंब की दूरी होती है, ओ क्या होता है वस्तु की दूरी होती है, याद रखने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आई मतलब इमेज और ओ मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब वो वस्तु हो जाता है, इमेज मतलब उसका प्रतिबिंब हो जाता है, ठीक, और बराबर माइनस का क्या, माइनस का एक मिनट यहां लिख लेते हैं आई बटे, यहां भी नहीं काम कर रहा है, माइनस एक मिनट, ठीक है, तो बस आई जो है, आई मीन्स क्या होता है इमेज, और ओ मीन्स क्या होता है ऑब्जेक्ट, ओके ओ मीन्स ऑब्जेक्ट हो जाता है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब बस हम लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक वस्तु दर्पण के सामने कहाँ रखी जाए, यानी कि वस्तु कहाँ पर रखी जाए, आपसे इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहा है यू की, यानी कि वस्तु कितनी दूरी रखी जाए, यानी कि यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी कि वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, यानी कहाँ रखा जाए का मतलब है कितनी दूर रखा जाए, ठीक है, कि वस्तु के आधे के आकार का प्रतिबिंब बने, यानी कि जितनी वस्तु हो उसका आधे का आकार का प्रतिबिंब बने, तो बस माइनस v/u बराबर आई मतलब क्या इमेज मतलब प्रतिबिंब, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और इमेज जो बनानी है वो आधी बनानी है, किससे ऑब्जेक्ट से, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु दो है तो प्रतिबिंब एक बनेगा, तो यहां से ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, तो फिर हमको यू निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f, ठीक है। अब देखिए यहां से, ठीक है, तो हम लोग यहां पर चीजों को लिख लेते हैं इधर, अब देखिए 1/u हमसे निकलना है, तो 1/u को हम लोग ऐसे रखेंगे प्लस 1/v, v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम u की गुणा इधर कर लें तो माइनस का v बराबर हो जाएगा u/2, तो v बराबर हो जाएगा माइनस का u/2, ठीक है, v बराबर हमने यहां से इंफॉर्मेशन जो है निकाल दी, क्योंकि माइनस से गुणा इधर माइनस से इधर, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर माइनस का u अपॉन हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का u/2 बराबर 1/f, f कितना है प्लस का 20 है, अब देखो 1/u और ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये दो ऊपर पहुंच जाएंगे यहाँ पर, तो 2/u बराबर 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, अब देखो u u समान है तो हम लोग u एलसीएम हो गया 1 - 2 बराबर 1/20, तो 2 में से 1 जाएगा, तो हम लोग यहाँ से जो निकल जाएगा माइनस का 1/u बराबर 1/20, ठीक है, तो u बराबर जो आएगा माइनस का 20 आ जाएगा, यानी कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु के आधे आकार का बने, कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को दर्पण से कितनी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, ठीक है, कितना 20 सेंटीमीटर से दूरी पर रखा जाए, बस इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको समस्या हो रही है, तो आपको क्या समस्या हो रही है, लिखने में तो हमें प्रॉब्लम हो रही है, आप तो समझ ही रहे होंगे, चीजें आपके सामने आए, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, और यहां तक कोई किसी को समस्या नहीं होगा, बस आप ये ध्यान रखना ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई ये आपके काम की है, वस्तु के आधे आकार का बने, तो यानी कि वस्तु को हम लोग यू से डिप्रेजेंट करते हैं, वी को हम लोग प्रतिबिंब से, और यहाँ पर यम बराबर रेखीय आवर्धन, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि एक और दो भाग जरूर देखें, फिर आप लोग ये देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण, ध्यान दें अगर अवतल दर्पण की बात हो रही, सारी दुनिया निगेटिव होती है, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, तो u बराबर जो आपको वैल्यू है वो माइनस का 20 है, ठीक, u बराबर जो आपको वैल्यू है u बराबर माइनस का 20 है,
और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर, यानी कि V बराबर है -30 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि F का मान पूछा जा रहा है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/F बराबर 1/U + 1/V, कैसे भी करके लिख सकते हैं। तो 1/U कितना है, 1/-20 और -1/V है, तो हो जाएगा यहाँ पर -30। तो बस 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 60 हो जाएगा। 30 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 20 से जब हम लोग भाग करेंगे तो आएगा 3, ऊपर है माइनस तो हो जाएगा -3, और ये माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का लिखना पड़ेगा। 30 से 60 में भाग करेंगे आएगा 2, तो वो 2 हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर है 1 2 1 2। तो इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते होंगे। तो -3 -2 हो जाएगा -5/60। जब हम लोग काट देंगे 5 एकम 5, 5 -1/12, और बराबर इधर क्या था, 1/F था, तो आप देख रहे होंगे, तो F बराबर जो आ जाएगा -12 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण की माइनस में आई, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि बात अवतल दर्पण की हो रही है, यानी कि दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो फोकस दूरी कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। बस ये इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत गुणा तो कर ही लेते होंगे, क्योंकि इतना डिटेल में फिर हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फिर चीजों को इतना तो बेहतर है, अगर ये चीज समझ में आ रही है तो आप हमें ये बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर गुणा भाग हमारा पूरा एकदम समझ आता है, ठीक है, चीजों को फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े स्पीड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक तरीके से आपको मजा आ जाएगा। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी कि यू बराबर -10, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर है, यानी कि प्रतिबिंब कितना है, वी बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो भी माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि अवतल दर्पण है। दर्पण से फोकस की दूरी बताइए, यार ये क्वेश्चन ना आपको बनता है सॉल्व करने का, एफ का मान आप बताइएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो नंबर हम दे देते हैं आपको 10 नंबर, आप ऐसे करना कि क्वेश्चन नंबर जो 10 का आंसर होगा वो एफ बराबर यानी कि फोकस दूरी इतनी होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा चीजें माइनस की कब लेंगी, प्लस की कब लेंगी, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन हम आंसर आपसे चाहते हैं, उम्मीद है कि आप हमें आंसर इसका करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी कि एफ बराबर जो आपको लिया जाएगा वो -20 हो जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण है। सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, यानी कि यू बराबर भी लेना पड़ेगा हमको -30 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, वी बराबर बताना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो देखो फिर भी हम लोग कर देते हैं, 1/U + 1/V = 1/F होता है, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/F बराबर 1/U + 1/V, बात एक ही होती है, ठीक है। तो 1/U की वैल्यू है 1/-30 + 1/V बराबर 1/F, F की वैल्यू जो है माइनस का, तुम लोग यहाँ -20 लिख लेंगे। अब 1/V इधर ही रखेंगे, तो 1/V इधर ही, और माइनस का 1/30 है तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 1/20 इधर ही रहेगा। 30 20 का जो एलसीएम हो जाता है वो 60 हो जाता है, तो 60 एलसीएम हो गया। 30 से जब हम लोग 60 में भाग करेंगे तो फिर राइट आंसर हो जाएगा 2, और फिर हम लोग लिख लेंगे 2, बीच में है माइनस तो माइनस का साइन लगा देंगे। 20 30 60, वो आएगा 3, 3 हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा, 1/V इधर रहेगा। तो 1/V बराबर 2 में से माइनस का 3 जाएगा, -1/60, और ये माइनस का 1 बचा है तो V बराबर हम लोग बोल सकते हैं -60, यानी कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे हैं, बने रहिए हाईवे क्लासेस के साथ। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो यार जरूर लाइक करना, आप लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। यार ये क्वेश्चन ना फिर आपसे चाहता है, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी एफ बराबर -10 है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर होगा, यानी कि यू बराबर -20 है और वी बराबर आपसे आंसर चाहता है। तो हम भी आपसे आंसर चाहते हैं कि वी बराबर आप बताएं, और इस क्वेश्चन का नंबर हम दे देते हैं आपको 12, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपको ये बताना है कि वस्तु की प्रतिबिंब की बताइए कितनी दूर बनेगा, ठीक है, दर्पण से, और 10 वाले में फोकस दूरी पूछी गई थी। ये दोनों क्वेश्चन हम आपसे आंसर करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सॉल्व करके दिखाना दिखाना, क्योंकि तभी हम जानेंगे कि भाई आप लोग भी पढ़ रहे हैं हमारे साथ, चीजों को इतनी मेहनत करके बनाया जाता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारा साथ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, अब की बार ये बोला गया है कि जो एक वस्तु है वो 3 सेंटीमीटर लंबी है, 0.0 के बाद में कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे 0.30 कोई वैल्यू 3 माना जाता है। एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि R बराबर 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, तो
अवतल दर्पण है तो माइनस का 8 लेना पड़ेगा। सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर मुख अक्ष के लंबवत रखी गई है। आपसे कहा जा रहा है कि त्रिज्या वाले दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है एक वस्तु जो है, यानी कि दूरी पर रखी गई वस्तु माइनस का 12, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी कि वी का मान हमें बताना है, और आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। आकार व प्रकृति बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग वी निकाल देते हैं। और यहां से आर पता है तो हम लोग यफ कैलकुलेट कर सकते हैं। यफ बराबर होता है आर बाई टू, आर माइनस का 8 होते, माइनस का 8 बटे 2 करोगे तो यफ बराबर आ जाएगा माइनस का 4। यहां से आपको पहले वी निकाल लेना चाहिए। तो 1/u + 1/v बराबर 1/f होता है। 1/v की वैल्यू दी गई, तो 1/-12 प्लस 1/v बराबर 1/f, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू माइनस का 4, यहाँ पर लिखेंगे 4 और ये माइनस का लगा देंगे। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1/v यानी कि 1/v बराबर माइनस का 1/12, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 1/4 पहले से तैयार है 1/4। अब देखो यहाँ 12, यहाँ 12, अगर 4 को 12 बना लें तो बड़ा आसान है, 3 से गुणा ऊपर, 3 से नीचे, यहाँ 12 हो गया, 12 यहाँ 12, एक है और यहाँ माइनस के 3 है, तो आप जानते हैं कितना बचेगा, 1/v बराबर माइनस का 3 और ये प्लस का 1, माइनस के 2 बचेंगे और नीचे एलसीएम 12, 2 से काट देंगे और 2 छंग 12, 1/v बराबर माइनस का 1/6। हम लोग बोल सकते हैं कि v बराबर माइनस का 6, v बराबर कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया, ठीक है। v बराबर माइनस का 6 हो गया, यहाँ से कोई समस्या नहीं। अब आपसे ये पूछा रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अब आप बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन पूछ रहे हैं आकार व प्रकृति बताइए। आकार व प्रकृति बताने के लिए आपको m बराबर i बटे o ध्यान रखना पड़ेगा, और i बटे o जो बराबर होता है माइनस का v बटे u के बराबर होता है, ठीक है। तो i मतलब होता है इमेज, o मतलब होता है ऑब्जेक्ट। इमेज कितनी बड़ी है ये कैसे पता चलेगा, आपको i को i रहने देना। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, 3 सेंटीमीटर, वो हमने 3 रख दिया। माइनस का v यानी कि v कितना है, वो माइनस का v है 6 और माइनस का 6 है। अब यू कितना था, यू था माइनस का 12, तो हम लोग यहाँ पर माइनस का 12, माइनस माइनस कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो आई बराबर आ जाएगा 3 से गुणा इधर कर लेंगे और बटे में 2 है, 3/2 मतलब हो जाएगा 1.5 है। यानी कि अगर आपको आकृति व प्रतिबिंब बताना है तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति याद करनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई। आकार प्रतिबिंब की स्थिति बता दी हमने दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर। आकार व प्रकृति को याद करने के लिए तो देखो, आकार यानी कि ये दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, कैसा है ये अवतल दर्पण लिखा हुआ है, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि यहां से ये सिद्ध हो गया कि v बराबर माइनस का 6 आया, u भी माइनस का है, f भी r, तो ये सिद्ध हो गया कि सारी चीजें इधर ही हैं, यानी कि वस्तु इधर ही है, प्रतिबिंब भी इधर ही बना हुआ है। जब प्रतिबिंब और वस्तु इधर ही बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, कितना वास्तविक बनता है, और वास्तविक बनता है वस्तु से कितना बड़ा या छोटा कैसे पता चलेगा, वस्तु कितनी थी 3 और प्रतिबिंब जो बना हुआ है वो 1.5 सेंटीमीटर का बना हुआ है, यानी कि छोटा है, ठीक है, यानी 1.5 सेंटीमीटर का है, और वास्तविक है, छोटा है और उल्टा है, क्या है, उल्टा है। इधर अवतल दर्पण के जितने भी प्रतिबिंब इधर बनते हैं ये उल्टे बनते हैं। अब ये कैसे आप सोच रहे होंगे, ये कैसे पता चलता है कि उल्टा है या सीधा है, तो इसके लिए आप हमारे लेक्चर नंबर 2 में जरूर जाइए, वहां पर हमने वस्तुओं को रख रख कर बताया कि अगर वस्तु यहाँ पर होगी तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कहाँ पर सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में मात्र एक ही ऐसी स्थिति थी जहां पर वस्तु को सीधा बना था प्रतिबिंब, वो इधर था, वो छठी स्थिति थी। जरूर जाइए वहां पर देखिए और पता करिए कि चीजें कहाँ पर कैसे हैं, ठीक है। कई बार तो आंसर लाने के बाद में भी आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको यही नहीं पता है कब उल्टा कब सीधा कब छोटा कब बड़ा होगा, ओके, तो वहां पर जाइए और देखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कि एक मनुष्य की ऊंचाई ऊंचाई जो है 1.68 मीटर है, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। एक चीज समझ लीजिए, जो यम बराबर आएगा वो h/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इंसान को अपनी पूरी जो है देखना है, अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो ये ध्यान रखना, अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो अपनी ऊंचाई का आधा शीशा जरूरत पड़ता है। इतना अपनी ऊंचाई का आधा दर्पण, ये एक जनरल भी क्वेश्चन है, एकदम से इंपॉर्टेंट है। अगर प्रतिबिंब, अगर किसी इंसान को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो अपनी ऊंचाई का आधा दर्पण जरूर पड़ता है। वही आपसे ये पूछा गया है कि अगर एक मनुष्य 1.68 मीटर लंबा है तो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितना ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखना, जितना ऊंचा है मनुष्य उससे आधा, यानी ऊंचा कितना है 1.68, तो 1.68 का आधा हमें तुरंत कर देना चाहिए, 2 8 16
और 2 चक्कू 8 यानी कि 0.84 भाग करना आप जानते होंगे, सिंपल सी बात है, यानी कि 0.84 मीटर अगर जो है ऊंचा दर्पण मिल जाए जिसमें प्रतिबिंब साफ साफ दिख जाएगा, बस इसका ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक मनुष्य समतल दर्पण के सामने खड़ा है, यदि मनुष्य का प्रतिबिंब उससे 6 सेंटीमीटर दूर बनता है तो मनुष्य के दर्पण की दूरी बताइए। ओके, ध्यान से देखिए कि एक समतल दर्पण के सामने खड़ा है, एक मनुष्य जो है एक समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, यहां पर P होता है और यहां पर हम लोग O मान देते हैं, O मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि मनुष्य, और प्रतिबिंब से 6 सेंटीमीटर की दूर बनता है, यानी कि यदि यदि मनुष्य का प्रतिबिंब उससे 6 सेंटीमीटर दूर बनता है, ठीक, तो मनुष्य की दर्पण से दूरी बताइए। तो मनुष्य की दर्पण से दूरी बताइए, तो देखो यहां पर मनुष्य खड़ा है, ठीक, और प्रतिबिंब यहां बना है I, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर। यहां पे इधर क्यों नहीं बना है, क्योंकि यहां पर यहां से यहां तक की दूरी पूछी गई है ये। अच्छा एक चीज और, जितनी ये x दूरी इधर होगी तो यहाँ P से और I तक की, I मतलब इमेज, I तक की दूरी भी x होगी, दोनों बराबर होंगे, और ये पूरी जो दूरी है वो 6 है, ठीक है, पूरी दूरी कितनी है 6, ऐसा पता चल रहा है यहां से पढ़ने से। एक मनुष्य समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, यहां से खड़ा हुआ है, यदि मनुष्य का प्रतिबिंब उससे 6 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी कि ये मनुष्य है और इससे 6 सेंटीमीटर दूर बन रहा है यहाँ प्रतिबिंब, और हमसे जो दूरी पूछी गई इस मनुष्य और इस दर्पण तक की दूरी पूछी गई, यानी कि पोल तक, यहां से यहां तक की दूरी हमने x मान ली, और जितनी इधर है दूरी उतनी दूरी इधर होगी, यानी कि x, तो x इधर है x इधर है, लेकिन ये पूरी दूरी 6 है, तो हम लोग कह सकते हैं ये 3 बस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर पर खड़ा हुआ है, बस ये इसका राइट, 3 सेंटीमीटर दूर राइट ये खड़ा हुआ है, ठीक है, ओके, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब तो ये क्वेश्चन 2 कौड़ी का है, क्योंकि अवतल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या r बराबर दी गई -30 लेना पड़ेगा, और f बराबर जो हो जाएगा वो r/2 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं -30/2, इसका मतलब -15, यानी कि फोकस दूरी जो हो जाएगी वो -15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जब भी उत्तल दर्पण की बात होगी तो f बराबर जो लेना पड़ेगा वो 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, यानी कि v बराबर जो है u बराबर है वो -20 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, क्या वह वास्तविक होगा ये बताना है। तो देखो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v बताना है हमको, पहले v सॉल्व करते हैं। तो यहां से एक फॉर्मूला है 1/u + 1/v बराबर 1/f, ठीक है, 1/u यानी कि 1/u की वैल्यू है -20 हो जाएगा, प्लस 1/v बराबर f कितना है 1/10 का प्लस का हो जाएगा, माइनस का ये भी जो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/v बराबर 1/10 + 1/20, ये माइनस का पहुंचा ये भी बराबर के उधर प्लस का हो गया। 1/v बराबर 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, 20 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, यानी कि v 1/v बराबर हो जाएगा 3/20, यानी कि v बराबर जो हम लोग भाग भाग करके बोलेंगे 20/3, और 20/3 का मतलब हो जाएगा 6.7। तिछांक अठारह जब 0.6 से ज्यादा होता है तो हम लोग, 5 से ज्यादा होता है तो 6 को हम लोग 7 बोल सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, 20/3 जब भाग करेंगे 6.66 की जगह पर 6.67 कर सकते हैं, जब कभी 5 से ज्यादा हो दशमलव के इधर का अंक तो उसमें हम लोग 1 बढ़ा सकते हैं, ऐसा आपने छोटे होंगे तब पढ़ा होगा। तो यहां से प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति अगर पूछा जाए तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से 6.7 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा, और ये ज्ञात करना है कि वस्तु वास्तविक होगी या नहीं, तो हम बता दें उत्तल दर्पण में जितनी भी वस्तुएं का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक नहीं होता है, वो आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है, ये चीज समझ लेना, आभासी होता है साथ ही साथ सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ये देखो अवतल दर्पण की क्वालिटी है कि जो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से क्या होगा छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, वस्तु से छोटा होगा, और वस्तु से छोटा होगा यहां पर आप प्रूफ भी कर सकते हैं, यानी कि जो वस्तु है ठीक है छोटा होगा, वस्तु की लंबाई तो दी नहीं गई, वो तो दूरी दी गई, वस्तु से छोटा होगा, बस इसका ये राइट आंसर होगा कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी 6.7 सेंटीमीटर दूर होगा, और वास्तविक होगा या नहीं तो इस पर इसका आंसर होगा नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, आभासी होता है उत्तल दर्पण में हमेशा, ठीक है। इसका PDF भी मिल जाएगा आपको,
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर, f बराबर 10 सेंटीमीटर, वस्तु के दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक सॉल्व कर चुके हैं, एक और सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। f बराबर अब की बार 10 है, तो m बराबर जो होता है वो होता है आई बटे ओ, और आई बटे ओ बराबर होता है माइनस का वी बटे यू। तो यहां से आपसे देखो रखा जाए कि वस्तु के आधे का आकार का प्रतिबिंब बने। वस्तु के आधे का आकार, वस्तु क्या है ओ, और वस्तु अगर दो होगी तो प्रतिबिंब एक होगा बराबर माइनस का वी बटे यू। यहां से हम लोग कह सकते हैं एक बटे दो हमने इसलिए लिया, दो वस्तु है यानी कि दो है जो वस्तु की लंबाई है और एक जो है प्रतिबिंब की लंबाई। ऐसा यहां पर कहा जा रहा है कि वस्तु के आधे का आकार का प्रतिबिंब बने। ठीक है, बस यहां से अब हमें ज्ञात क्या करना है कि एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए, यानी कि यू का आपसे मान पूछ रहे हैं कि यू को कहाँ रखें, यानी कि वस्तु को कहाँ रखें, कहाँ रखें का मतलब दूरी पूछ रहे हैं वस्तु की। तो दूरी अगर वस्तु की पूछ रहे हैं तो यू का मान पूछ रहे हैं। तो एक हमारे पास फार्मूला है 1/u + 1/v बराबर 1/f। एक बटे यू हमसे पूछ रहे हैं तो एक बटे यू को ऐसे रखना पड़ेगा, एक बटे वी। तो वी की जगह पर हम लोग क्या सॉल्व रख सकते हैं ये चीज देखो, अब वी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, तो यहां पर अगर हम यू की गुणा कर लें तो यू बटे दो बराबर माइनस का वी, और ये माइनस का हटा के यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है आराम से। तो यू बराबर हो जाएगा माइनस का वी और बटे में दो बराबर एक बटे एफ, एफ का मान आपको 10 दिया रखा है। तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे एक बटे यू माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का दोनों माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर, और दो ऊपर पहुंच जाएंगे, तो 2/u बराबर 1/10। अब यू यू सेम है नीचे, तो हम लोग यू और ये एक माइनस का 2/1/10, तो माइनस का दो में से एक गया, माइनस का 1/u बराबर 1/10। तो यू बराबर हम लोग बोल सकते हैं माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक वस्तु के दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए, तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। ध्यान रखना उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और अवतल दर्पण में सारी दूरियां ही लगभग निगेटिव होती हैं। ठीक है सर, ओके। बस आपसे यूं इसका आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा कि 10 सेंटीमीटर दूरी है, सिर्फ ए होगा 10 सेंटीमीटर, बी 20, सी 30, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी ए लगा देना, 10 सेंटीमीटर दूर, माइनस से कोई फर्क नहीं, माइनस से ये सिद्ध होता है कि वस्तु कहां पर है। ठीक, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन है ये देखिए, अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूर होता है दर्पण से फोकस की दूरी। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु यू बराबर माइनस का 5 और बी बराबर माइनस का 15, यफ बराबर पूछ रहे हैं, दर्पण अवतल था इसलिए दूरियां माइनस में ली गई, और फटाफट आप इसका आंसर खुद कर सकते हैं 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/u कितना है, चलो लिख लेते हैं, माइनस का 5 है, और v कितना है, माइनस का 15 है। तो बस यहां से सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 15 और 5 या 15 माइनस का 3, और 15 एकम 15 माइनस का 1, तो माइनस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 4/15 बराबर 1/f। तो 1 बटे अगर हम f बराबर निकालेंगे तो माइनस का 15/4, क्योंकि ये f ऊपर चला गया इसीलिए 15 भी ऊपर चले जाएंगे। ठीक, 4 फिर नीचे हो जाएंगे, अगर 15 ऊपर चलेगा माइनस वही रहेगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी अपना आंसर है, 4 3 12 दशमलव लगा दिया, माइनस का रहेगा साथ ही साथ, अब बचे होंगे 30, 3 हो गए 30, 4 7 28, 2 6 4 5, यानी कि जो फोकस दूरी हो जाएगी वो 3.75 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। ओके, बस इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा आसान से सवाल आपको लगने लगे होंगे, किसी कोई समस्या नहीं होगी। कल भी हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे, 15 क्वेश्चन और कल करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण से और ये जो प्रकाश का परावर्तन से क्वेश्चन तो आने रहते हैं। अगर आपसे ये वाला चैप्टर हो जाता है तो आप फिजिक्स के लिए थोड़ा सा बेचिंत हो जाते हैं। और भी चीजें हमने न्यूमेरिकल अच्छे से कराने की कोशिश की है, फिर भी कराएंगे, एक बार में पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर।